नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भैया, सोशल मीडिया पर कई तरह के स्टंट्स के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन पहली बार भाजपा नेता, भाजपा युवा मोर्चा के नेता जो है, उन्होंने ऐसा कतई स्टंट मारा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए जरा। इस वीडियो के साथ ट्वीट कर लोग लिखते हैं, भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं, नोएडा में काफिला लेकर निकले हैं, अब देखना होगा किसकी गाड़ी जब्त होगी, पुलिस की या नेताजी की। तो यहां पर नेताजी का वीडियो आपने देखा, किस तरह से जो है नेताजी आराम से बोनट पर बैठकर जो है स्टाइल मार रहे हैं, बकायदा कह रहे हैं कि हमारी रंगदारी जो है उसे जाने मत दीजिए। लेकिन इस वीडियो की जो है काफी ज्यादा चर्चा की, लेकिन हैरानी की बात क्या है कि जब इस वीडियो में बकायदा कमिश्नर ऑफ पुलिस, नोएडा पुलिस, नोएडा ट्रैफिक पुलिस सभी को टैग किया गया है, लेकिन नोएडा ट्रैफिक पुलिस का इस पर रिप्लाई आता और ये रिप्लाई करके कहते हैं, कृपया स्थान ब्रैकेट में सेक्टर या थाना का स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं। मतलब वीडियो में दिख रही गाड़ी, गाड़ी में दिख रहे नेताजी, नेताजी का नंबर प्लेट के अलावा जो नेताजी का पद का प्लेट है वो सब दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद नोएडा ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि भैया किस सेक्टर का वीडियो है, किस सड़क का है, किस जगह का है, समय बताइए, तब जो है कार्रवाई होगी। इस मुद्दे को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई पर लोग जो है हंस रहे हैं। तो भैया, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की। तो भैया, जो अगली खबर है वो संबंधित है कानपुर के हादसे से। दरअसल कल जो है एक ट्रैक्टर पलटने की वजह से 26 लोगों की मौत होगी और खास बात तो यह है कि ये लोग जो है ये श्रद्धालु थे, चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे और इसमें जो है शराब के नशे में और कई तरह के तमाम दावे किए गए कि ड्राइवर जो है नशे में था। कभी जो है कहा गया कि भाई ड्राइवर ने पहले गाड़ी रोककर अपने साथियों के साथ शराब पी, जबकि महिलाओं ने मना किया था कि गाड़ी मत चलाइएगा, लेकिन गाड़ी चली और उसके बाद जो है ये दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना के घटने के बाद जो है देश भर में इसकी चर्चा हुई और सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें, इससे सवारियों की ढुलाई कदापि ना करें, जीवन अमूल्य है, कृपया लापरवाही ना बरतें। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है, यूपी के निगम में परिवहन मंत्री के पास वसूली, भ्रष्टाचार और फर्जी छापेमारी के अलावा कोई काम नहीं है। सीएम के ट्वीट को सेम टू सेम कॉपी करके पल्ला झाड़ लिया, नकारा और निकम में मंत्रियों की फौज के सेनापति बनकर यूपी को और कितना बर्बाद करेंगे योगी जी, बर्खास्त कब करेंगे। दरअसल हुआ यूं कि परिवहन मंत्री ने भी सेम टू सेम डिट्टो जैसा कि सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा था, वैसा ही उन्होंने भी जो है ट्वीट करके लगभग 12 से 13 मिनट बाद उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी यही लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें, इससे सवारियों की ढुलाई कदापि ना करें, जीवन अमूल्य है, कृपया लापरवाही ना बरतें। हालांकि इस मामले पर समाजवादी पार्टी दोबारा ट्वीट कर इस पर लिखती है, योगी जी, नैतिकता नाम की कोई चीज होती है लेकिन आपको नैतिकता से कोई मतलब नहीं। आपके नकारा मुख्यमंत्रित्व काल में 5.5 साल में निकम्मेपन, नकारापन और भ्रष्टाचार के कारण यूपी में अनगिनत मौतें हुई हैं। ना कोई मंत्री जिम्मेदारी लेता है और ना ही आप लेते हैं, शर्म कीजिए महाराज। तो कुछ इस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के परिवहन मंत्री को घेर लिया था और घेरने के बाद बहुत ज़्यादा जो है हमला बोला और सीधे सीधे सीएम योगी पे बोला। तो भैया, ये था आज के वाली खबरों का हिसाब किताब, लेकिन जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आप यूपी तक की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।